जैसे जैसे हमारा देश बढ़ रहा है उसी तरीके से बेरोजगारी भी बढ़ रही है, आबादी जो बढ़ने का रेशियो था वो घट रहा है, इसको लेकर आप थोड़ा खुश हो सकते हैं। लेकिन बेरोजगारी का आलम क्या है? अब ये ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोलने का फल है या फिर कुछ और? ये रांची शहर में एक शराब दुकान है, मामूली जैसे आम शराब दुकान होता है। यहाँ आपको दुकान में चार स्टाफ दिख जाएंगे, इनकी बहाली विभाग ने ली है और इनमें से चार में से तीन लोग ग्रेजुएट हैं और एक आदमी इंटर पास है। इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है और इनका काम है शराब बेचने का। आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किए तो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई? रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। रांची से? तो फिर आपको कहीं दूसरे जगह नौकरी नहीं मिला या आप कोशिश? नहीं, कोशिश किए थे, बहुत जगह प्राइवेट में काम किए थे, इसके बाद अभी शराब दुकान में आए। तो इसमें कितना सैलरी मिल रहा है? सैलरी तो अभी कंफर्म बताया नहीं गया है। अच्छा। लेकिन एक अंदाज के अनुसार? एक अंदाज लगभग वही 14,000। 14,000 रुपये आपको मिलेगा। कितने घंटा ड्यूटी करना है? सुबह 10 से रात में 10:30 तक। 10 तक? 10 के बाद, मतलब 12 घंटे का ड्यूटी है। आप भी? जी इंटर पास है। आप इंटर पास है? आप ग्रेजुएट है? किस यूनिवर्सिटी? मगध यूनिवर्सिटी गया। अच्छा, वहाँ से ग्रेजुएट है। क्या कॉमर्स किया था, साइंस किया था, आर्ट्स? बॉटनी। आप कहाँ से पढ़ाई किए भैया? जी सर, मैं मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो आपका क्या था, साइंस था, आर्ट्स था? मेरा साइंस था। और आपको कहीं नौकरी नहीं मिला? नहीं सर, नौकरी मिलता तो आपसे कर तो चुके होते। फिर आप सोचे कि अगर नौकरी नहीं मिला तो शराब ही बेचना ठीक? नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोई जॉब होता है। तो ऐसा नहीं है ना कि भाई किसी को, आपके घर वालों को डर लग रहा होगा कि शराब दुकान में शराब बेचेगा धीरे धीरे लत हो जाएगा पीने? नहीं सर, ऐसा थोड़ी है, हम लोग शराब पीते नहीं हैं, सिर्फ बेचते हैं। अच्छा, अभी अगर दारू दुकान में बियर कौन कौन सा है? बियर मेरे पास 4 दिन से कोई नहीं है। और ब्रीजर कौन कौन? कोई बियर नहीं है, ब्रीजर भी बियर में ही आता है, मेरे पास कोई बियर नहीं है। दारू में ब्लैक लेबल है? मेरे पास ब्लैक लेबल नहीं है सर, ब्लैक लेबल था बिक गया। 100 पाइपर? 100 पाइपर है। और कौन कौन सा बोल रहे हैं? बहुत सारा दारू नहीं मिल रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं। सर जो स्टॉक है सरकार हमको दे रही है वो हम लोग बेच रहे हैं। 100% वोडका नहीं मिल रहा बोल रहा? प्योर वोडका मेरे पास 2 ब्रांड है, मैजिक मोमेंट है और केटल वन वोडका है मेरे पास अवेलेबल। बाकी और बकाडी का नहीं? नहीं सर, अभी बकाडी नहीं आ रहा है, कुछ दुकान में है मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, ये आलम देख लीजिए। आप लोग शराब पीते हैं? जी नहीं, शराब नहीं पीते। नहीं, आप पीते हैं शराब? शराब पीने वालों का एक दर्द है कि इन दिनों रांची में मनचाहा शराब या बियर या ब्रीजर नहीं मिल पा रहा है, दुकान में कुछ और अवेलेबल है। इस दुकान में भी अब ये हम हैं, ब्लैक लेबल नहीं है, ब्रीजर नहीं है, बियर नहीं है, लेकिन ब्लैक लेबल था और ख़त्म हो गया, अब रेड लेबल मिल रहा है। 100 पाइपर फिलहाल है इनके पास, वोदका में 2 ही ब्रांड है, मैजिक मोमेंट है और फिर केटल वन है। इस तरीके की समस्या भी आ रही है, लेकिन बेरोजगारी, ये सब दाम चिपका के रखा है आप लोग? जी सर, प्राइस लिस्ट है। तो सरकार तो अभी दारू का और बियर का ही सब का रेट घटाई है ना? जी सर, जो रेट है वही है, जो घटा के लिखी वही प्राइस लिस्ट लिखा हुआ है। स्कॉच में दाम घटा है और प्रीमियम में सब ऐसे ही है, जैसे बिस्की है ये सब नंबर वन IBOC बोलो, उसमें 10 रुपया नीप पे भरा है, हाफ पे 10 भरा है, फुल पे भरा है, बढ़ा है दाम। जो प्रीमियम ब्रांड है उस पर घटा? जी, रेड लेबल जैसे आपका 2700 का है, 2200 रुपये MRP उसका, 1300 रुपये की आपकी रेड लेबल हाफ है, 1350 की 1150 में मिल रही है। 1350 के जगह 1350 के जगह 1150 हाफ में इतना रेट कम हुआ है। कुछ ब्रांडों पे रेट बढ़ा है, कुछ पे घटा है, लेकिन
ज़्यादातर लोग जो अब दिल्ली जा रहे हैं या कलकत्ता जा रहे हैं, दारू वहीं से लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं आने जाने का भाड़ा भी निकल जा रहा है क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा ही रेट कम हो गया है दारू का और यहाँ झारखंड में महंगा। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, एक तो पीड़ित है जो दारू पीने वाला है, मनचाहा ब्रांड नहीं मिल रहा है, इस गर्मी में बियर और ब्रीजर नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये बेरोजगारी का आलम, ग्रेजुएट बॉटनी साइंस रांची यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी से और फिर भी दारू बेचने को विवश हैं। हाँ, यही बोलना चाहते हैं, दारू ब्लैक में बिक रही है, जो 120 में मिलता है वो अब 170 रुपये कर दिया गया। यहाँ पे ब्लैक में यही मिल रहा है, आपको आगे वाला दुकान में मिल रहा है। अच्छा, पहले बियर मिलता था 110 में, अभी 160 रुपये लगता है। अच्छा, तो वो तो दुकान नहीं, वो तो ढाबा होगा। मैं नहीं, ढाबा नहीं, इसी टाइप से दुकान है यहाँ पास, इस चौक का बाद में। अच्छा, जो भी रहो बस यही बोलना चाह रहे थे। और मतलब आपको लग रहा है रेट बढ़ गया? जब से सरकार का अंडर पे हुआ है ना, तब से लग रहा है। तो कह रहे हैं तो बियर तो मिल ही नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हैं, वहाँ मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है, वहाँ से तो लाते हैं। अच्छा, वहाँ ज़्यादा पैसा दे के लाना पड़ रहा है। 160 रुपये ले रहा है। पहले कितना में मिलता था? 120 रुपये, 130 रुपये, 110 रुपये, इस टाइप से था। ठीक है, बियर दो तीन किस्म का आता है, एक प्रीमियम आता है, एक स्ट्रॉन्ग आता है। स्ट्रॉन्ग का दाम ज़्यादा है। वो कौन सा बियर का रेट पूछिए, रेट उस पर कितना, उससे ज़्यादा ले रहा नहीं ले रहा, वो गलत नहीं दे रहा आपको। पहले आप जानिए उसको MRP कितना है। ठीक है, लेकिन ये शिकायत आम है कि बियर या ब्रीजर इस दुकान में नहीं मिलेगा लेकिन ढाबा ओबा में मिल रहा है, ऐसा ये आम लोग कर रहे हैं। वहाँ ज़्यादा रेट देना पड़ रहा है, और दूसरा बार में भी मनचाहा प्रोडक्ट तो मिल जा रहा है लेकिन बार में कहते हैं ना रेट कोई फिक्स नहीं है। सेम बियर किसी बार में 100 रुपये में मिलेगा, वही बियर किसी दूसरे बार में 250 रुपये में भी मिलेगा, ये सिस्टम है। लेकिन दारू पीने वाले भी परेशान, पढ़ लिख कर बेरोजगार भी परेशान, और इस गर्मी में आप और हम भी परेशान हैं। सरकार को थोड़ा सिस्टम देखना चाहिए, योग्यता के अनुसार काम नहीं भी मिलना छिपी हुई बेरोजगारी का एक प्रतीक है। कम से कम बेरोजगारी ही दूर कर लीजिए, बहुत समस्या खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in